हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय टेरिफाइड पैसारी। मेरी पार्टनर तो रही गई थी और मैंने स्टार्ट कर दिया वीडियो। ओके, तो हमने पिछले पार्ट में देख लिया है एलकेजी का सिलेबस क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली देखने वाले हैं लिटरेसी स्किल का जो सिलेबस है वही। हॉप स्किप एंड जंप का ही बुक सेट क्यों ऑर्डर किया है, क्योंकि स्प्रुहा को नर्सरी को इसी बुक सेट का सिलेबस था, तो इसीलिए मैंने यही सिलेबस ऑर्डर किया है। लेट्स स्टार्ट। वन थिंग आई वॉन्ट टू क्लियर कि मैं ये वीडियोज़ क्यों बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होंगे जिनको इस साल ये भी सिचुएशन ही ऐसी चल रही है जिस वजह से हमें होम स्कूलिंग करना पड़ रहा है। वो हेल्प होगा कि सिलेबस क्या है ये जानने के लिए, क्योंकि मुझे खुद को वन मंथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। मैं फ्रॉम फेब्रुवरी बुक्स ढूंढ रही थी, मुझे अमेजोन से मिल गया, तो इसीलिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी है कि मेरे जैसे अगर कोई स्ट्रगलिंग होंगे पेरेंट्स तो उनको ये सिलेबस मालूम हो जाएगा, विच विल रियली हेल्प देम अ लॉट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड क्विकली। ओके, तो बेसिकली मैंने अभी क्या स्टार्ट किया है, उसकी ए टू जेड के कैपिटल लेटर ए टू जेड की प्रैक्टिस उसकी स्टार्ट की है, करी है मैंने, जो उसको नर्सरी में भी थी, तो वही उसकी रिवीजन ले रही हूँ मैं, ताकि उसको वो आता है और उसको वो अच्छा लगता है, फिर वो कंप्लीट, अभी उसको बिल्कुल भी प्रॉम्प्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो लिख लेती है। तब तक मैंने वेट किया जब तक उसको प्रॉम्प्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब मैंने ये बुक्स निकाल के उसको सिखाना स्टार्ट किया है, क्योंकि स्मॉल लेटर इंट्रोडक्शन हो गया है, तो देख लीजिए अभी उसको स्मॉल लेटर दिया, राइटिंग स्टार्ट हो गया है उसका। ओके, तो आप जैसे देख सकते हो कभी कभी वो लिख लेती है थ्री लाइन्स में, कभी कभी नहीं लिखती, बच्चे मूडी होते हैं, तो मैं इतनी जिद पकड़ के नहीं बैठती कि लिखना ही चाहिए करना ही चाहिए, मेरा मेन फोकस यही रहता है उसको आ रहा है ना, सो इट्स ओके। देखो इसमें जो जो वर्कशीट्स है वो मैं आपको वन बाय वन दिखा रही हूँ। ओके, इसमें ये बहुत अच्छी वर्कशीट है, अभी ये ए लेटर के रिलेटेड ही है, पिक्चर देख के बिगनिंग लेटर लिखना है बच्चों को। ओके, इसके बाद बी लेटर की दिखाती हूँ आपको वर्कशीट। ओके, ए लेटर की और एक वर्कशीट है, सर्कल द वर्ड्स दैट हैव द लेटर ए इन देम। ओके, तो बच्चों को हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना है अपनी मदर टंग में कि उनको क्या करना है, तो बच्चे अपने आप कर रहे थे, इस प्रभु ने खुद किया है, सिर्फ मैंने उसको समझाया कि क्या करना है तो उसने फटाक से कर दिया। ओके, ये बी है, बी के अभी आप देख सकते हो पिक्चर, बहुत सारे वर्ड्स उनको नए इंट्रोड्यूस हो गए हैं अभी, ये बन और ये बीब, ये बी, ये पिछले साल नहीं थे, अभी वर्ड्स थोड़े से एड ऑन हो गए हैं हर लेटर के। ओके, तो बी का भी सेम वही राइटिंग रहता है पहले थोड़ा, क्योंकि उनको आता ही है पहले, और फिर सेम फर्स्ट बिगिनिंग लेटर लिखना है, पिक्चर आइडेंटिफाई करके उसका बिगनिंग लेटर लिखना है। और ये वर्कशीट है, हम ये वर्कशीट जो है अभी ये सिर्फ बी के लिए है, हम ये सारे लेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं, हम ये भी वर्कशीट हम सारे लेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं जो मैं करने वाली हूँ। ओके, तो यहाँ पे वन ऑफ द वर्कशीट ये क्या है कि नेम दिस थिंग्स, पहले तो ये पिक्चर आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को बोलना है इनका नाम क्या है, कलर थिंग्स दैट बिगिन विद लेटर बी। ओके, तो उनको सिर्फ बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को ही, पिक्चर्स को ही कलर करना है, तो वो कर लेते हैं। सी का भी सेम, फर्स्ट सी की राइटिंग प्रैक्टिस, फिर पिक्चर आइडेंटिफाई करके फर्स्ट लेटर लिखना है। ओके, और उसकी ये वर्कशीट ये अलग है कि सर्कल द पिक्चर हुज नेम्स बिगिन विद द लेटर सी। ओके, तो उन्हीं पिक्चर को सिर्फ सर्कल किया है स्प्रुहू ने जो सी लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके, डी का सेम, फर्स्ट लेटर लिखना है, ये उसका बाकी है अभी, और यहाँ पे क्या करना है, ये अलग वर्कशीट है, थिंक ऑफ अ वर्ड दैट बिगिन विद लेटर डी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट एंड कलर इट। अच्छी वर्कशीट है ये, तो ये अभी स्प्रू ड्रॉ करके खुद कलर करेगी उसको। तो ये वर्कशीट मैंने लेने से ही रखा है साइड में, क्योंकि जब बोर हो जाती है तब ये वर्कशीट उसको बहुत मजा आएगा ये करने के लिए। ओके, ये मैच द पेयर है, ज्वाइन द कैपिटल लेटर विद इट स्मॉल लेटर, सामने सामने ही है, मैच द पेयर ईजी है, तो ये वाला भी लेना है हमें बच्चों का, सिर्फ डी तक ही है यहाँ पे, तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, उसको फोर फोर लेटर्स ही अभी इंट्रोड्यूस करा रही हूँ मैं स्मॉल लेटर्स के। ओके, तो फोर फोर के गैप में आगे जाती हूँ, ये फोर कंप्लीट हो गए तो मैं कभी कभी देखती हूँ उसको ई में थोड़ा स्ट्रगल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो मैं आगे का इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, नहीं तो मैं स्टॉप करती हूँ, सिर्फ ई तक ही जाती हूँ, तो वन बाय वन ऐसे हो रहा है उसका। सब ए बी सी डी मिला के एक वर्कशीट है, राइट फर्स्ट लेटर, तो ये पिक्चर आइडेंटिफाई करके उनके फर्स्ट लेटर्स यहाँ पे लिखने हैं, तो ये हम सारे लेटर्स को ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जेड तक ऐसे ही वर्कशीट्स दिए हैं इस बुक में, तो मैं ये आगे के जो ई के आगे के जो वर्कशीट्स हैं ये मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगी, या तो इन बिटवीन में डालती हूं। अभी इस बुक के अलावा मैंने कुछ वर्कशीट्स रेडी करे हैं जो कि अगेन नेसेसरी एंड यूजफुल फॉर हर। ओके, तो ए टू जेड की तो प्रैक्टिस मैं लेती हूँ, फिर अभी मिसिंग लेटर्स मैंने स्टार्ट कर दिया उसको, ये करती है वो राइटिंग अच्छे से, तो उसका डेमो दिखा देती हूँ। बी यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो बच्चों को उसके आफ्टर का वर्ड लिखना है, बी सी डी ई एफ। अभी बच्चे देखो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि जी लिखा है, तो वो वापस उनको जी रिपीट नहीं कराना है,
तो जी के बाद क्या आता है, वही ऐसे करके पूरी ए टू जेड उन पर। इसके बाद ये हैं मैच द पेयर, ये सारे वर्कशीट्स है ना, मिस प्रू ने खुद जो करी है ना उसके वीडियोस भी डाले। इसके बाद ये भी वर्कशीट हम करा के ले सकते हैं कि कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग में लीजिए, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि उनको कैपिटल लेटर नर्सरी में कम्प्लीट ए टू जेड उनको सिखाए हैं, तो उनको ये अच्छा लगेगा। अभी ए को ए के साथ मैच करना है, पी सी डी ई एंड यही ये भी। अभी यहाँ पे कैपिटल लेटर्स हैं और यहाँ पे मैंने स्मॉल लेटर्स दिए हुए हैं के लिए, फिर अगेन यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लेटर्स को ही है उनको मैच। फिर उसके बाद अभी ये इंट्रोडक्शन टू स्मॉल लेटर्स हमें स्टार्ट करना है, तो ये सब है ना स्टेप बाय स्टेप कीजिए प्लीज़। ये सिर्फ ये वाला जो पैटर्न है वो लगातार 7-8 दिन के लिए आप ट्राई ऑन कर सकते हो, फिर उसमें बीच में ही कभी कभी ये वाला पैटर्न आप बीच में ही दे दो, तो बच्चों को अच्छा लगेगा कि इसके अलावा कुछ तो आ रहा है। लेकिन सब एक दिन में या सिर्फ 8 ही दिन में यह सब कुछ करना ही करना है, ऐसे मत कीजिए प्लीज़। हर बच्चे की लेवल अलग होती है, हर बच्चा अपने हिसाब से लेता है टाइम, तो प्लीज़ बी पोलाइट विथ किड्स। मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देती इस प्रभु को, क्योंकि मुझे इतना ही है कि उसको आ रहा है ना, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि यस शी कैन रिकोगनाइज A to Z कम्प्लीट रिकोगनाइज करती हैं। तो वो मैंने बहुत धीरे धीरे किया है, ये यहाँ तक आने में मुझे 1.5 मंथ लगा होगा आई गेस, क्योंकि मैं स्लोली जा रही हूँ। मैं अगर फास्ट करूँ ना तो स्प्रू 8 दिन में कंप्लीट जेड तक आ सकती है, क्योंकि उसकी है उतनी कैपेसिटी, लेकिन मुझे इतना फोर्स नहीं करना है उसको। साइमल्टेनियसली मैं ये भी वर्कशीट्स लेती रहती हूँ, अलग अलग बुक के हैं, ये वाले हैं, पिक्चर देख के बच्चों को लेटर्स फाइंड आउट करके उनको मैच रिपेयर करना है। तो ये क्या है पिक्चर, एप्पल, तो ए को जाएगा ये बॉल, तो ये बी को जाएगा कप, डक, ओके। तो ये तो बुक में है ही इन्वॉल्व, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे निकाल के दिखाई है आपको। और लेती हूँ अगेन सर्कल स्मॉल लेटर्स फ्रॉम कैपिटल लेटर्स, ओके। तो अभी यहाँ पे कैपिटल ए दिया है, तो उसको स्मॉल लेटर ए को सर्कल करना है, ऐसे एम है तो स्मॉल एम, ओ है तो ओ, यू साइमल्टेनियसली सर्कल कैपिटल लेटर्स फ्रॉम स्मॉल लेटर्स, सेम इसका ही अपोजिट। ये एच दिया है, कैपिटल एच मुझे फाइंड आउट करके ट्रेस करा के लेना है, एफ ओके, ऐसे ही सब। आप इसमें बच्चों को कन्फ्यूज कराने के लिए और ट्रिकी भी दे सकते हो, लेकिन वो बाद में दीजिए। ये मैं स्टार्टिंग में ए बी सी डी इतना ही लेती हूँ, तो उसको इजी इजी हो जाता है, फिर मैं ये ट्रिकी लेवल पे जाती हूँ, ये आगे के लेटर्स थोड़े ट्रिकी हो जाते हैं उसके लिए, ओके। उसके बाद हम ये भी ले सकते हैं बिफोर आफ्टर, तो मैं लेटर्स के थ्रू उसको ये कंसेप्ट समझा रही हूँ, ओके। तो बी विच लेटर कम्स बिफोर बी कम्स बिफोर डी सी, ऐसे सब कंप्लीट करा के लेना है बच्चों से। स्मॉल लेटर का भी सेम, जब स्मॉल लेटर ए टू जेड राइटिंग आ जाए, या तो रैंडम या तो सीक्वेंस कैसे भी, लेकिन जब उनको ए टू जेड लेटर कंप्लीट राइटिंग आ जाए तभी इसकी तरफ हमें बढ़ना है, ओके। तो विच लेटर कम्स बिफोर बी ए, ऐसे विच लेटर कम्स बिफोर ई, ओके ऐसे करा के लेना है। देन आफ्टर की कंसेप्ट भी सेम, विच लेटर कम्स आफ्टर ए बी आफ्टर डी, ओके। यहाँ पे सिर्फ स्मॉल लेटर्स मैंने दिए लिस्ट आउट करके, यहाँ पे मैंने कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स बोथ दिए, तो स्मॉल के सामने उसको स्मॉल ही लिखना है, कैपिटल के सामने कैपिटल ही लिखना है। ये जानबूझ के थोड़ा सा ट्रिकी किया है मैंने, लेकिन उसने कर दिया। आफ्टर स्मॉल बी सी विच लेटर कम आफ्टर स्मॉल वाई, विच लेटर कम्स आफ्टर कैपिटल टी आफ्टर एम, ऐसे लिखना है आफ्टर जी, ऐसे कंप्लीट करा के लेना है बच्चों से। बहुत वक्त लगता है, थोड़ा स्लो स्लो जाएंगे। इसके बाद ये भी करा के ले सकते हैं कि राइट लेटर्स इन करेक्ट ऑर्डर। ये लेटर्स मैंने कुछ उल्टे पुल्टे करके लिख दिए हैं, जो कि स्प्रहु को ऐसे लिखने हैं ए बी सी एंड डी, ओके। अब ये एच आई जे के ये लिखना है उसको, यू वी डब्ल्यू एच ए स्मॉल लेटर्स, उसका भी सेम ए बी सी एंड डी, ओके सेम। इसके बाद ये वाला है फिल इन द बॉक्सेस विद द मिसिंग लेटर्स, ओके।
तो यहाँ पे बच्चों को मिसिंग लेटर से राइट डाउन करने हैं, सिर्फ उनको थोड़ा सा अलग मैनर में करने को मिला है तो वो खुश हो जाते हैं। ये वाला वर्कशीट बुक में इंक्लूडिंग है जो मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, बी सी कंप्लीट करा डी ऐसे, और नीचे सेम वही विथ स्मॉल लेटर्स। ओके, तो उनको यहाँ पे स्मॉल लेटर से कंप्लीट कराना है। देन अगेन सेम गोज विथ दिस ऑल्सो, मिसिंग लेटर्स ही फिल करने हैं, लेकिन आप देख सकते हो उसको, देखो मैंने कैसा फॉर्मेट बनाया। ये भी बुक में ही है, लेकिन बुक में सिर्फ पी तक था, मैंने कंप्लीट जेड तक ले लिया है। तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है ऐसे कुछ अलग। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं इसलिए मैं ऐसे शेप्स लेती हूँ इजी वाले, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप ट्रेन बना के दीजिए, कार बना के दीजिए, तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है। ओके, ऐसे फिल करते जाना है ऐसे जेड तक, तो वही उनके लिए फ़न पार्ट होता है कि मुझे यहाँ से नीचे आना है, यहाँ से वापस मुझे ऊपर जाना है, फिर वापस नीचे आना, यही उनके लिए फ़न एक्टिविटी होती है। ओके फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीक हम देखेंगे न्यूमरेसी स्किल का वीडियो, यानी कि मैथ्स का वीडियो। तो हर वीक हर सब्जेक्ट के अलग अलग वीडियोस आते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर वीक आने वाले वीडियो देख सकेंगे। ओके, खत्म हो गया। ओके तो अगर आपको हमारे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर